तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स अपने पीएफ का टोटल बैलेंस अगर जो आपको चेक करना नहीं आता है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल से ऑनलाइन अपने पीएफ का टोटल बैलेंस चेक करना बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो पीएफ मेंबर्स इस वीडियो को आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं आपको पीएफ का इंटरेस्ट चेक करना बताऊंगा फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है 2022 खत्म होने वाला है, तो 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट क्रेडिट हो चुका है फ्रेंड्स। तो इंटरेस्ट कैसे चेक करना है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा फ्रेंड्स। अपने पीएफ का इंटरेस्ट कैसे चेक करना है फ्रेंड्स, अपने पीएफ का टोटल बैलेंस कैसे चेक करना है अपने मोबाइल में ऑनलाइन, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मुझे नहीं जानते तो फ्रेंड्स मेरा नाम है सनी, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स सनी01 में आपका स्वागत है। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी ईपीएफओ से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते अपने टॉपिक की। तो अपने पीएफ का बैलेंस चेक करने के लिए फ्रेंड्स आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है फ्रेंड्स। तो मैं अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप करना है यूएन पासबुक, लिख के सर्च कर देना है। सर्च होने के बाद जो सबसे फर्स्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है मेंबर पासबुक एंड क्लेम स्टेटस, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो क्लिक करते ही ईपीएफ के पासबुक पे आ जाते हो फ्रेंड्स। तो ईपीएफ पासबुक का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो लिंक पे क्लिक करके सीधा आप ईपीएफ पासबुक पे आ जाओगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा। तो जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने मेरे मेंबर का ईपीएफ पासबुक पे डिटेल्स फिल कर दिया है फ्रेंड्स। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाला बटन दिख रहा होगा फ्रेंड्स, तो लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स ईपीएफ पासबुक पे हम लॉगिन हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे मेंबर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हमारे मेंबर का यूएन नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मेंबर आईडी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने जितने कंपनी में काम किया उसका मेंबर आईडी यहाँ पे शो करता है फ्रेंड्स। तो जिस मेंबर आईडी में आपका पैसा है फ्रेंड्स, उस मेंबर आईडी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मेंबर आईडी सिलेक्ट करने के बाद आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो सबसे लास्ट में आपको व्यू पासबुक ओल्ड फुल पासबुक का ऑप्शन आता है, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स हमारे मेंबर का यहाँ पे टोटल बैलेंस यहाँ पे शो होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय शेयर मिला के जो टोटल बैलेंस होता है यहाँ पे शो होता है फ्रेंड्स। तो ये आपका टोटल बैलेंस नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत सारे पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स, वो अपना पीएफ का टोटल बैलेंस समझते हैं फ्रेंड्स। जो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर को मिलाकर जो टोटल बैलेंस बनता है वो आपका टोटल बैलेंस यहाँ पे लिखा रहता है फ्रेंड्स। तो अपना टोटल बैलेंस जानने स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है फ्रेंड्स। तो स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे में अमाउंट दिखता है फ्रेंड्स। तो ये अमाउंट आपका पेंशन कंट्रीब्यूशन का सेक्शन में जो अमाउंट है फ्रेंड्स, वो अमाउंट आपका दिखता है फ्रेंड्स। तो ये आपका पेंशन का अमाउंट होता है फ्रेंड्स। तो ये पेंशन का अमाउंट और एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर को मिलाकर जो टोटल बैलेंस है फ्रेंड्स, पेंशन के अमाउंट से प्लस कर देना है। तो प्लस करने के बाद जो अमाउंट आता है फ्रेंड्स, तो वो आपका पीएफ का टोटल बैलेंस होता है फ्रेंड्स। तो अब हम जानेंगे फ्रेंड्स अपने पीएफ का इंटरेस्ट कैसे चेक करना है। तो अपना पीएफ का इंटरेस्ट चेक करने के लिए फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है फ्रेंड्स। तो ऊपर में आप व्यू पासबुक न्यू अर्ली का ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स। तो व्यू पासबुक न्यू अर्ली पे जैसे आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट द फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको 2021-22 का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है फ्रेंड्स। तो सबसे नीचे में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट अपडेट अप टू 31/3/2022 का ऑप्शन दिखता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स एम्प्लॉय शेयर में और एम्प्लॉयर शेयर में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट के तौर पर। तो यहाँ पे अमाउंट आप देख सकते हो 2,250 रुपया एम्प्लॉय शेयर में मिला है फ्रेंड्स, और एम्प्लॉयर शेयर में आप देख सकते हो 719 रुपया इंटरेस्ट के तौर पे क्रेडिट हुआ है। उसके बाद आप पेंशन कंट्रीब्यूशन के सेक्शन में देखोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है उसके सेक्शन में 0 अमाउंट शो हो रहा है फ्रेंड्स। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं होता है फ्रेंड्स। तो आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना। तो ये वीडियो आप सभी पीएफ मेंबर्स को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरा रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी ईपीएफओ से रिलेटेड वीडियो में अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में।